आप देख रहे हैं खबर बिहार 24 में विवेक। यह दृश्य आप देख रहे हैं कटिहार सबदा गृह का। यह दृश्य बिहार राज्य के कटिहार जिला अंतर्गत शहरी क्षेत्र में सबदा गृह बना हुआ है, जो सरकारी उपेक्षा का शिकार है। इस सबदा गृह के अंदर आप देख रहे हैं कि वृक्ष घास फूस बिल्डिंग पर गाछ जन्म ले चुकी है और ना यहाँ बैठने की व्यवस्था है, ना उचित इस सबदा गृह का रख रखाव किया गया है। ऐसा मानो लगता है कि सरकारी उपेक्षा का शिकार यह सबदा गृह खंडहर रूप धारण किए हुए कटिहार जिला के अंतर्गत यह एकमात्र सबदा गृह है जहाँ दाह संस्कार के लिए लोग आते हैं। लेकिन जो जर्जर स्थिति है, जो सरकारी उपेक्षा का शिकार यह जगह है, जो हालात इस जगह की है कि एक पल भी यहाँ रहना मुश्किल है। लोग यहाँ आते हैं अपने परिजनों के दाह संस्कार के लिए, लेकिन दाह संस्कार करने के बाद न तो साफ़ सफाई की व्यवस्था है, यत्र तत्र लकड़ियाँ जली हुई पड़ी है, कपड़े पड़े हुए हैं, बिल्डिंग आप देख रहे हैं खंडहर नुमा बिल्डिंग बना हुआ है, न लाइन की व्यवस्था है, बैठने वाले इस शेड की गंदगी का अंबार है, कहीं कोई उचित रख रखाव व व्यवस्था नहीं है। ये शटर नुमा दुकान बनी हुई है जो बंद पड़ी हुई है। इस आसपास में नदी में पानी भरा हुआ है और यह शहरी क्षेत्र हवाई अड्डा के समीप मसान घाट इस जगह को कहा जाता है। सरकारी उपेक्षा के शिकार इस सबदा गृह को आप देख सकते हैं कि ऐसी हालत में लोग कैसे यहाँ आवें, कैसे अपने परिजनों का दाह संस्कार करें, यह बिहार सरकार के व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा करता है। बिहार सरकार के व्यवस्था में इतनी कमियां है, प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा इतना उपेक्षा किया जाता है कि जो दृश्य आप सबों को देखना बड़ी आवश्यक है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में केवल खोखले वादे किए जाते हैं, कहीं कुछ नहीं है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब